हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज के रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों ओल की सब्जी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ओल की सब्जी बनाने के लिए हमें यहाँ पर यह सामग्री लगेगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है दोस्तों, मार्केट से मैं अभी लेके आई हूँ, ये ओल है। ये लोग तो हम अपने भाषा में इसको ओल ही बोलते हैं दोस्तों। मैं आधा केजी लाई हूँ इसको। तो ये मैं ऊपर का छिलका सबसे पहले हम हटा के इसको धो लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओल को अच्छे से छील लिया है दोस्तों। अब इसको चलते हैं सबसे पहले धो करके, फिर इसको हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से ओल को धो लिया है दोस्तों, ये देखिए। अब इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद है अब वैसा काट लें। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से काट रही हूँ। तो सभी को इस तरह से हम काट लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैंने कट करके अच्छे से इसको दोबारा पानी से धो लिया दोस्तों। तब हम बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई बैठा दी हूँ गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई गर्म हो गया है, तो यहाँ पर अब तेल डाल देते हैं। ओल जो है दोस्तों उसको पहले हमें तेल गर्म होगा तो उसको डाल करके हमें छान करके निकालना होगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है दोस्तों एक बड़ा साइज का प्याज ली थी, उसको भी काट लिया है। टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च। तो तेल गरम हो गया है दोस्तों और इधर हम जो ओला काट के रखे हैं अब इसको डाल करके थोड़ा थोड़ा करके छान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा डाल दिया दोस्तों ये ओल। तो आप देखिए इसको हम उस तरह से चलाते हुए इसको हम जैसे पकौड़ी छानते हैं उस तरह से इसको हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे तेल में, उसके बाद निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये 2 मिनट हो गया है दोस्तों, ये देखिए हमें इसको इतना ही फ्राई करना है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओल को फ्राई कर लिया और इसको निकाल के थाली में रख लिया दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो तेल बच गया है दोस्तों अब इसी में हम सब्जी बना लेते हैं। ये तेल इतना काफी है। और यहाँ पर देखिए 1 चम्मच मैं ली हूँ, इसको पचफोरन बोलते हैं हम लोग। इसमें सारा कुछ मिला रहता है, सौंफ, मेथी, कलौंजी, जीरा। और यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच और जीरा डाल रही हूँ क्योंकि उसमें पचफोरन में जीरा कमी होता है। और यहाँ पर हम जो प्याज काट के रखे ना इसको डाल देते हैं। और यहाँ पर मैं एक तेज पत्ता लिया है, तो इसको भी 2 भाग में तोड़ कर डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैं 2 चिटकी हींग भी डाल रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर प्याज है हमारा हल्का फ्राई हो गया है, इतना ही फ्राई करना। तो यहाँ पर अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल करके इसको भी हल्का भून लेंगे। तो यहाँ पर अब हम टमाटर भी डाल देते हैं और साथ में हरी मिर्च। तो यहाँ पर अब हम नमक डाल देते हैं दोस्तों स्वाद अनुसार। तब यहाँ पर हम मसाला डाल लेते हैं दोस्तों, नमक तो हमने डाल दिया है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स तीखी वाली, काली मिर्च, काली मिर्च का पाउडर दोस्तों, 1 चम्मच यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल डाल रही हूँ, तीखा भी। तो मसाला यहाँ डाल दिया दोस्तों और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं। तो इसको अच्छे से मसाला को हम चलाते हुए भून लेंगे जैसे इसको खुशबू नहीं आती। तो यहाँ पर हमारा मसाला भून गया अच्छे से, खुशबू आने लगा है मसाले में से। और देखिए टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो गया, गल गया है। तो अब हम यहाँ पर सब्जी डाल लेते हैं, ये जो हमने ओला फ्राई करके निकाले थे तेल में, अब इसको हम डाल देते हैं इसमें। और इसको चलाते हुए हम 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे तेज आंच में। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं ओला तरी वाला बना रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ये तरी वाला बहुत अच्छा लगता है खाने में, खास करके चावल के साथ। तो आप एक बार जरूर इस तरह से बनाइएगा दोस्तों और चावल के साथ खाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है ये ओला का सब्जी। इसके आगे मटन, चिकन सारा खाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा देखिए 1 से 1.5 मिनट हो गया है। तो यहाँ पर हम पानी आप डाल देते हैं। पर मैंने 2 गिलास पानी लिए हैं दोस्तों, हम पानी को यहाँ पर आप डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास और पानी डाल देती हूँ और इसको मीडियम आंच पर ढक करके पकने देते हैं 10 मिनट तक। तो यहाँ पर हो गया है 10 मिनट दोस्तों, तो सब्जी हम चेक कर लेते हैं। तो सब्जी यहाँ पर हमारे बन करके रेडी हो गया दोस्तों, आपको दिखाते हैं। ये वॉल भी अच्छा पक गया है, ये देखिए पूरा ये सीज गया है।
तो यहाँ पर मैं देखिए हरा धनिया काट के रखी हूँ, तब इसको मैं डाल देती हूँ इसमें, क्योंकि सब्जी हमारी रेडी है बन करके। तो मेरी ये ओल की सब्जी बन करके रेडी हो गया दोस्तों। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।